भाइयों और बहनों, संवेदनशीलता हो या फिर मुश्किल फैसले लेने का साहस, ये सिर्फ भाजपा की सरकारों ने करके दिखाया है। लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें जेएमएम की भी भागीदारी रही है, उसने समस्याओं को उलझाया है, हमने समस्याओं को सुलझाया है, उन्होंने देश को लूटा है, हमने देश को लौटाया है। इसलिए झारखंड की गंभीर और पुरानी समस्याओं को सुलझाने का काम भी सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। आप खुद देख रहे हैं, देश आजाद हुआ तब से हिंदुस्तान के हर कोने में जम्मू कश्मीर की चर्चा चल रही थी, आर्टिकल 370 की चर्चा चल रही थी, संविधान में उसको टेम्पररी लिखा गया था, लेकिन एक टोली टेम्पररी को परमानेंट बनाने में लगी थी, कोई उसको हाथ लगाने से डरता था, लेकिन देश की जनता ने मोदी को इसके लिए दिल्ली नहीं भेजा है। देश की जनता ने मोदी को कठोर फैसले लेने के लिए भेजा है, देश के लिए निर्णय करने के लिए भेजा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं राजनीति के हिसाब किताब नहीं करता हूं, मैं सिर्फ देश नीति को सोचता हूं। और इसी के कारण दशकों से लटका हुआ 370 गई कि नहीं गई, हम निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, देश ने समर्थन किया कि नहीं किया, पूरा देश हमारे साथ खड़ा रहा कि नहीं खड़ा रहा, जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ खड़ा रहा कि नहीं खड़ा रहा, लद्दाख और कारगिल भी खड़ा रहा कि नहीं खड़ा रहा। भाइयों बहनों, अगर नेक इरादे से काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करते हैं, तो देश आशीर्वाद भी देता है, झारखंड भी आशीर्वाद देता है, जमशेदपुर भी आशीर्वाद देता है। अब मुझे बताइए, ये राम जन्मभूमि विवाद ये कोई हमारे आने के बाद पैदा हुआ क्या? राम जन्मभूमि विवाद सुलझना इस देश के लिए जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था कि नहीं था? पहले षड्यंत्र करके इस विवाद को टाला गया कि नहीं टाला गया? रोका गया कि नहीं रोका गया? कांग्रेस ने उसको उलझाया कि नहीं उलझाया? अपनी वोट बैंक के लिए उपयोग किया कि नहीं किया? भाइयों बहनों, इतना बड़ा मसला राम जन्मभूमि का आज शांति से निपट गया कि नहीं निपट गया? सब कुछ शांति से हुआ कि नहीं हुआ? सभी समाजों ने उसका स्वागत किया कि नहीं किया? भाईचारा मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही तो राम जी की ताकत है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारी माताओं बहनों को
सम्मान पूर्वक जीने का हक है कि नहीं है, उनको सम्मान पूर्वक जीने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारी मुस्लिम बहनों के साथ कितना घोर अन्याय होता था, तीन तलाक जिंदगी तबाह कर देता था, अनेक बहन बेटियां शादी करके सपने लेकर के जाती थी, तबाह होकर के वापस लौटती थी। और यह अन्याय सिर्फ उस तलाकशुदा मुस्लिम महिला को ही था, इतना नहीं, कोई बोले या न बोले, सच ये है कि तीन तलाक के कारण मुस्लिम पुरुष भी परेशान था, दुखी था, मुसलमान समाज का हर वर्ग दुखी था, क्योंकि हर मुसलमान बाप को चिंता रहती थी कि बेटी को शादी कर करके भेज तो रहा हूं, लेकिन तीन तलाक के कारण कहीं वापिस आना न पड़े। हर भाई को चिंता रहती थी कि बहन को विदा तो कर रहा हूं, लेकिन तीन तलाक के कारण कभी बहन घर लौट के वापिस न आ जाए। हर बाप चिंतित था, हर भाई चिंतित था, हर बहन चिंतित थी। आज तीन तलाक के खिलाफ कानून ला करके हमने मुसलमान भाइयों की, मुसलमान माताओं की, मुसलमान बहनों की इज्जत की, जिंदगी की रक्षा करने का काम किया है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने खूब रोड़े अटकाए, लेकिन भाजपा की संवेदनशील सरकार ने मुस्लिम बहन, मुस्लिम मां बाप, मुस्लिम भाई को चिंता को खत्म करने का काम किया।